नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं आज की सबसे बड़ी खबर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय कृषि मंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद दीपक प्रकाश, ऐसे कई नाम है, बड़े नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा, ये सारे लोग हत्या के प्रयास करने के आरोपी हैं। इन लोगों ने हत्या करने का प्रयास किया है, इसीलिए बीएनएस की धारा 109 के तहत इन सभी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्यपालक दंडाधिकारी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सरकारी काम में तो बाधा उत्पन्न किया ही इन्होंने, साथ ही साथ हत्या करने का प्रयास भी कर डाला। अब यह मामला गंभीर स्थिति हो जाता है कि क्या एक रक्षा राज्य मंत्री किसी देश का हत्या के प्रयास कर सकता है, और हत्या के प्रयास करने के आरोप में थाने के पुलिस एक रक्षा राज्य मंत्री पर केस दर्ज करती है कि हत्या का प्रयास किया है इन्होंने। बड़ा मामला बन गया है। बीजेपी में भी इस बात की जानकारी के बाद खासा भूचाल है कि आखिर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस कैसे दर्ज किया गया। मामला 23 अगस्त 2024 का है, जिस दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली का आह्वान किया गया था। इस रैली में झारखंड भाजपा के तमाम दिग्गज जमा हुए थे और रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित की गई थी। हालांकि रैली के एक दिन के पहले से ही प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त मुस्तैद था, जो आम तौर पर कम देखने को मिलता है, लेकिन मुस्तैदी ऐसी थी कि जिलों से आने वाली गाड़ियों को सड़क पर रोक दिया गया था। जो बीजेपी का अनुमान है कि करीबन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मोराबादी मैदान तक नहीं आ पाए। बावजूद इसके भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन शुरू होता है। सम्मेलन शुरू होने के बाद जो भाजपा का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष जब भाषण देने मंच पर चढ़े तो वहां पर टीयर गैस छोड़ दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद लाठी चार्ज किया गया। जब प्रतीकात्मक जवाब देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे तो उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी गई और उसके बाद रबर बुलेट से मारा गया। कई लोग घायल है, लेकिन उनकी प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं इसकी जानकारी अभी नहीं है। यह जानकारी जरूर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर उस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कई गैर जमानती धाराएं हैं और बीएनएस 109 सबसे ज्यादा गंभीर धारा इस मामले में, आप मान सकते हैं कि इस मामले के तहत उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि यह लाठी डंडों की सरकार है। दरअसल 5 साल में, हेमंत सरकार के 5 साल पूरे होने में अभी 4 महीने बाकी हैं, और इन 5 सालों में करीब 13 बार लाठी चार्ज किए गए हैं, जिनमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये घटना मिलाकर, आक्रोश रैली की घटना को मिलाकर 3 बार लाठी चार्ज किया गया है। इसके अलावा आसू पर भी लाठी चार्ज हुआ है, जयराम महतो उनकी पार्टी पर भी लाठी चार्ज हुआ है, सहिया बहनों पर भी लाठी चार्ज, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहिया बहनों पर भी लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज के कई मामले हैं, तो कमोबेश जोड़कर आप देख लें तो 13 लाठी चार्ज के मामलों का मतलब है कि हर 6 महीने में 1 बार लाठी चार्ज होता है। लेकिन आक्रोश रैली का मामला गंभीर तब हो जाता है जब इस रैली के, इस सम्मेलन के लिए आरोपियों के नाम में रणधीर सिंह और कोचे मुंडा का नाम भी शामिल हो जाता है। रणधीर सिंह और कोचे मुंडा दोनों लोग रैली में मौजूद ही नहीं थे। रणधीर सिंह अपना इलाज कराने गए थे और कोचे मुंडा बीमार है, इसलिए वो सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। बावजूद इसके कार्यपालक दंडाधिकारी ने 51 लोगों को नामजद आरोपी बना दिया। अब भाजपा पूछ रही है कि क्या कार्यपालक दंडाधिकारी चेहरे से इन 51 लोगों को पहचान लेंगे। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो मुझे लगता है कि कार्यपालक दंडाधिकारी को खासी तैयारी करनी पड़ेगी, इन 51 लोगों को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने कह दिया है, पुलिस को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और तल्ख टिप्पणी की है कि तेल लगाना है तो लगाइए साहब, लेकिन इतना भी मत लगाइए। अब तेल लगाना है, कौन किसको तेल लगा रहा है, सरकार को पुलिस कैसे तेल लगा रही है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन मामला कुल मिलाकर गर्म हो गया है। और इस जानकारी के बाद कि बीएनएस की धारा 109 के तहत भाजपा के बड़े नेताओं पर, सांसद संजय सेठ जो भाषण देने के बाद वहां से निकल गए थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, उन पर भी हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर 11 अप्रैल 2023 को जब सचिवालय घेराव कार्यक्रम हुआ था, उस मामले में भी लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन से पानी के बौछार छोड़े गए थे, रबर बुलेट चले थे, कई लोगों को नामजद आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था।
जिनको हाईकोर्ट ने 27 लोगों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसको खारिज कर दिया। अब विधानसभा नजदीक है, ऐसे में यह संदेश जा रहा है कि क्या सम्मेलन में जुटे ये शीर्ष नेता हत्या करने का भी प्रयास कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि क्या बाबूलाल मरांडी इस उम्र में हत्या करने के लिए वहां पहुंचे थे, क्या दीपक प्रकाश, क्या अर्जुन मुंडा हत्यारे हो सकते हैं, ये लोग हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं, पुलिस के जवानों की हत्या कर सकते हैं या कार्यपालक दंडाधिकारी का हत्या कर सकते हैं। गंभीर सवाल है, अब किससे पूछताछ होगी, क्या पूछताछ होगी थानों में, अगर थाने में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को जाके बताना पड़े कि मैं हत्या का कहीं से प्रयास करने के लिए नहीं काम कर रहा था, मैं सम्मेलन में था, तो निश्चित तौर पर कानून पर भी सवालिया निशान उठेंगे कि आखिर किस आधार पर इस प्राथमिकी को दर्ज किया गया है, प्राथमिकी के लिए तथ्य क्या चुने गए हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का अगला कदम क्या होता है। डीजीपी के खिलाफ भी शिकायत करने की तैयारी में भाजपा है, निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करने की तैयारी में है, और हाईकोर्ट जाना तो बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।